किसी भी परिवार को चलाने के लिए आपसी तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है, और हम लोग अगर आपसी तालमेल से चलें, सामंजस्य बैठा के चलें, एडजस्टमेंट बैठा के चलें, तो जो है जो जीवन का पहिया है आराम से चलते रहता है। और अगर हम लोग हर चीज़ में अगर विवाद करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, झगड़ा करेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा? उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग को हर चीज़ को सॉल्व करना है, हर चीज़ को सुलझाना है। चीज़ों को उलझाने से क्या फ़ायदा? चीज़ों को हम लोग अगर उलझाएंगे तो हम खुद भी तो उलझ के रह जाएंगे। तो हम लोग को ध्यान देना है कि चीज़ों को हम लोग को उलझाना नहीं है, चीज़ों पे जो हम लोग को ध्यान देना है, चीज़ों पे हम लोग को कार्य करते हुए अच्छी प्रकार से उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम लोग को समझौते पे बात करनी चाहिए कि किस प्रकार परिवार में समझौता होते रहे। परिवार में आपसी बातचीत बहुत ज़रूरी है, आपसी विवाद से कोई फ़ायदा नहीं। परिवार में जितना हम लोग समझौता करके चलेंगे, जितना मिल बैठ के करेंगे, जितना बातचीत करेंगे, जितना प्रेम भाव से रहेंगे, जितना मैत्रीपूर्ण वातावरण में रहेंगे, उससे सभी का फ़ायदा होने की संभावना अधिक है। तो किसी भी परिवार में हो, हम लोग को आपसी तालमेल, आपसी भाईचारा, आपसी मेल मिलाप, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हम लोग जो हैं परिवार में किसी भी प्रकार के तनाव से बच पाएँ। परिवार में तनाव का होना आवश्यक नहीं है, तनाव का सुलझाना आवश्यक है।